वेलकम टू माय चैनल जी टू एम ममता और मैं हूँ ममता। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आजकल साड़ी का फैशन बहुत कम हो गया है और मैंने तो काफ़ी सालों से साड़ी पहना ऑलमोस्ट छोड़ दिया था, बट आजकल साड़ी का ट्रेंड फिर से चलने लगा है बिकॉज ऑफ इतने सुंदर सुंदर सेक्सी सेक्सी बड़े स्टाइलिश ब्लाउजेस की वजह से। तो अगर आप एक सिंपल सी साड़ी को भी एक स्टाइलिश और सेक्सी से ब्लाउज के साथ में टीमअप करेंगे तो आपकी साड़ी का ओवरऑल लुक एकदम चेंज हो जाएगा और आप साथ ही साथ साड़ी में भी क्लासिक के साथ स्टाइलिश और मॉडर्न भी लगेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एकदम भीड़ से अलग दिखाई दें और साथ में स्टाइलिश भी लगें और साथ में ट्रेडिशनल भी लगें तो आपके लिए साड़ी बेस्ट ऑप्शन है। तो यही सब सोच के मैंने फिर से अपनी वार्डरोब खोल दी है, पुरानी साड़ियाँ देखने लगी हूँ कि देखते हैं कौन कौन सी पहनने लायक है, और एक दो साड़ियाँ मैंने परचेज भी की हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी क्योंकि अभी वो चरक के लिए मैंने भेजी हुई है। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी अपना ब्लाउज हॉल जो मैंने अभी रिसेंटली 3-4 ब्लाउजेज़ खरीदे हैं, इनपे 3 खरीदे हैं, बहुत स्टाइलिश और ट्रेंडी और सेक्सी हैं, और चौथा ब्लाउज जो कि मैंने पहना हुआ है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ये ब्लाउज़ मेरा DIY है, ये इस पुरानी साड़ी के साथ में था, इसकी यहाँ तक की स्लीव्स थी और बहुत सिंपल सा था, बट मैंने इसको DIY करके अपने अकॉर्डिंगली बहुत ट्रेंडी और स्टाइलिश बना दिया है जैसे कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं। तो शेयर करते हैं अपना ब्लाउज हॉल। तो ये है मेरा फर्स्ट ब्लाउज, ये वन ऑफ शोल्डर है, मतलब ये एक तरफ से ऐसे हमारे शोल्डर पे रहेगा और एक तरफ से ऐसा रहेगा। ये मेरी किसी भी ब्लैक साड़ी के साथ, मेरे पास मरून साड़ी भी है, इनफैक्ट ये मेरे स्कर्ट्स के साथ, ये क्रॉप टॉप है वैसे तो, बट हम इसको एज ए ब्लाउज भी पहन सकते हैं। तो मैंने यही सोचकर ये ब्लाउज लिया है, इसको मैं बहुत सारी साड़ीज़ के साथ में, अपने स्कर्ट्स के साथ में, अपने डेनिम्स के साथ में, आपको किसी के भी साथ में आप इसको पेयर कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप थोड़े से हैवी बस्टी हो लाइक मी तो भी आप ये परचेस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैंने ट्राई करके देखा था, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि हम इसके नीचे इनर भी ईजिली पहन सकते हैं। ये वाला इस साइड का जो स्ट्रॉ है वो रिमूव करके इस साइड से पहन सकते हैं स्टॉल लगा के, तो हमें कम से कम थोड़ा तो सपोर्ट मिलेगा। तो वैसे मैं उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ कि जिसमें ब्लाउजेस के नीचे हम ब्रा नहीं पहन सकते उनका क्या करना चाहिए, उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो मैं जल्दी ही बनाने वाली हूँ। तो ये हमारा फर्स्ट ब्लाउज हो गया, क्रॉप टॉप हो गया, इसको हम साड़ी के साथ में स्टाइल करेंगे। तो जो नेक्स्ट मेरा ब्लाउज है ये भी एक क्रॉप टॉप है, ये मैंने लिया था मिंत्रा से लिया था और इसमें मेरे को स्मॉल साइज़ आया है, मैंने मीडियम ऑर्डर करा था बट एक मीडियम बहुत मेरे लिए बड़ा रहा था तो मैंने स्मॉल साइज़ किया है। जैसे कि आपने मेरी वीडियोस में देखा भी होगा, इसको मैंने साड़ी के साथ में, लहंगे के साथ में, स्कर्ट के साथ में टीम अप किया है और ये बहुत अच्छा लगता है, और आप इसको साड़ीज लहंगे लहंगा सॉरी और स्कर्ट इवन डेनिम्स के साथ किसी के भी साथ में पेयर कर सकते हो। और ये इसलिए मैंने ब्लैक कलर में मंगाया है, और एक ब्लाउज अभी मेरा आने वाला है उसको भी मैं आपसे इसके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आज मैं अपने आपको रोक नहीं पाई वीडियो बनाने से, अभी तो मेरे पास सिर्फ 4 ब्लाउज हैं, लेकिन मेरे ब्लाउज एक और आने वाला भी है और साड़ी और आने वाली भी है, तो हम नेक्स्ट टाइम में सॉरी और हॉल वीडियोस करेंगे। ये देखिए ये साड़ी के साथ में बहुत अच्छा लगता है, इसमें फुल स्लीव्स है, तो विंटर्स में आपको अगर आप सिर्फ ये पहन के भी साड़ी पहनते हैं, मैं एक फ़ोटो शेयर करूँगी, मैंने बहुत पहले यही सेम साड़ी पहनी थी अपनी फुल स्लीव्स की टी शर्ट के साथ में, और टॉप था इनफैक्ट, वो मुझे किसी फंक्शन में जाना था और बहुत सर्दियाँ थी लेकिन मैंने उसके ऊपर इसको पहना था, बिल्कुल भी मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई थी, बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगी थी क्योंकि आपको पता है फंक्शंस के नाम से वैसे भी हम लेडीज़ को सर्दी गर्मी कुछ लगती नहीं है, तो इतना सपोर्ट भी काफ़ी होता है हमारे लिए। तो नेक्स्ट जो ब्लाउज़ है ये बहुत ही प्रिटी है और
मैं बहुत जल्दी से इसको स्टाइल करना चाहती हूँ। समझ में नहीं आ रहा किसके साथ में स्टाइल करूँगी इसको। साड़ीज़ के साथ में तो मैं ओब्वियसली करूँगी ही। ये ब्लैक कलर का ऐसे स्लीवलेस है और ये वाला पार्ट इसका ये देख सकते हैं आप, ये वाला जो आगे का पार्ट है इसका थोड़ा सा निकला हुआ है। लुक एट द फैब्रिक, ये मैंने H&M से लिया है। H&M में इस टाइम बहुत अच्छी सेल लगी हुई है तो आप उस सेल का फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं फर्स्ट टाइम मैंने H&M से शॉपिंग की है क्योंकि मैं वेस्टर्न पहले इतना पहनती नहीं थी और जब से पहनना शुरू करा है तब से मुझे मौका नहीं मिला था स्टोर में जाने का और ऑनलाइन मुझे कुछ इतना समझ में नहीं आ रहा था, कोई मैंने ऑनलाइन नहीं लिया है, मैंने स्टोर से लिया है, साकेत की मॉल से, सिटी सेलेक्ट वॉक मॉल से लिया है मैंने H&M से। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा और आप बिलीव नहीं करोगे, लुक एट इट्स प्राइस, इट्स वो 1299 बट आई गॉट इट फॉर ओनली रुपीज आई थिंक 400 या 4 or 5, आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली क्योंकि मैंने एक दो चीज़ें और ली थी, तो ये से मुझे 400 or 500 का मिला। आप एक लोकल मार्केट से, आप चांदनी चौक से भी जाते हो तो भी आपको 400-500 रुपये से कम का ब्लाउज़ नहीं मिलता, तो उसी रेंज में आपको एक H&M का ब्लाउज मिल गया। इट्स अ रियली स्टीलिंग डील, बिलीव मी। तो आने वाले वीडियोज़ में जल्दी ही हम इनको स्टाइल करते हैं और देखते हैं ये कैसे लगेंगे। तो ऐसी और वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को चेकआउट कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए। तो हम मिलते रहेंगे और ऐसी वीडियोस के लिए। बाय।